हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो टेपरी में मैं रेगुलर ऐप वीडियोस, अर्निंग वीडियोस और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं और साथ ही साथ सोशल वाइन्स के वीडियोस लाते रहता हूं। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़िए ताकि आपको रेगुलर इस टाइप के वीडियोस मिलते रहें। आज मैं आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे कैसे करते हैं और वेबकैम स्क्रीन रिकॉर्डिंग और साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों साइमल्टेनियसली अपन कैसे कर सकते हैं एक साथ। कई लोगों को फ्री सॉफ्टवेयर्स नहीं मिल पाते हैं या पेड सॉफ्टवेयर्स लेना पड़ता है, तो उसके लिए मैं कुछ अच्छे टिप्स दूंगा और मैं जो सॉफ्टवेयर खुद यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, जिससे आप आराम से लाइव स्ट्रीम भी कर सकें और साइमल्टेनियसली वेबकैम और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकें। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हैं, XSplit ब्रॉडकास्टर एंड OBS स्टूडियो। XSplit ब्रॉडकास्टर और OBS स्टूडियो ये दोनों ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है आपका लाइव स्ट्रीम करने के लिए, और साथ ही साथ लाइव स्ट्रीम करने के लिए बेस्ट तो OBS स्टूडियो ही है। और अगर आपको वेबकैम और स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों करना है तो दोनों ही सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही फ्री हैं टोटली। बस अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तभी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, बाकी इन सब चीज़ों के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले हम XSplit ब्रॉडकास्टर को ओपन करके देखते हैं। XSplit वीकैम जो है वो आपका मैक्सिमम फीचर जो उसके पेड ही हैं, तो आप वीकैम मत यूज़ करिएगा क्योंकि वीकैम आपको उतना फ़ायदा करेगा नहीं। अगर आपको एक्स्ट्रा AR चाहिए तब आपको फ़ायदा करेगा XSplit वीकैम। देखते हैं, आपको कोई वीडियोज़ हैं उसमें आपको AR ज़रूरत पड़ता है, जैसे आपको अपने चेहरे में फेस कैम करना है, फेस मास्क लगाना है, तब उसके लिए बेस्ट रहता है। तो हम मूव ऑन करते हैं। मैंने लॉगिन करके रखा है इसमें। लोड द करेंट प्रेजेंटेशन, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम। जब आप लॉगिन कर लेंगे आपको कई सारे ऑप्शन देंगे लॉगिन करने के। आप जब लॉगिन कर लेंगे अपने YouTube चैनल से भी लॉगिन कर सकते हैं, Gmail से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप XSplit के खुद आईडी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 सेकंड्स वेट करने बोल रहा है, आपको बस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अपग्रेड आपको तभी करना है पेड फीचर, जब आपको ये सब फीचर्स लेने होंगे तभी। बाकी आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए ताकि आपको साइमल्टेनियसली वेबकैम और स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों करने मिले। नोटिफिकेशन आता है उसको नज़रअंदाज करिए, अपडेट के नोटिफिकेशन है। आप तो अपना अपडेट कर चुके होंगे। और देखिए यहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर भी सकते हैं YouTube के लिए, और लोकल रिकॉर्डिंग कर ले सकते हैं ताकि आप अपना YouTube और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए फेस कैम और आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों साइमल्टेनियसली हो सके। ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हैं आप। देखिए ये एक सॉफ्टवेयर है बेस्ट, यहाँ पे आप अपना नया सीन बना सकते हैं, न्यू सीन क्रिएट करेंगे, इसमें आप वेबकैम जोड़ दीजिए, ये सब आप कर सकते हैं। मे बी लेटर कर दीजिए अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर चाहिए। नो स्पीड माटर, मतलब XSplit को आप वाटरमार्क हटा भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें XSplit पर। अगर आप अच्छे वीडियो एडिटर हैं तो आप आराम से वाटरमार्क भी हटा सकते हैं। वाटरमार्क साइड में आता है छोटा सा, लास्ट में ही आता है XSplit का। और यहाँ माई रिकॉर्डिंग्स में जाके आप अपना रिकॉर्डिंग्स को सेव करके एडिट कर सकते हैं। सो ये था XSplit। और नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है, उसमें मैक्सिमम यूट्यूबर्स भी यूज़ करते हैं इसको। ये है OBS स्टूडियो। ये मैं पहले से ही ओपन करके रखा हूँ, देख लीजिए। मेरा खुद का स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए चल रहा है। यहाँ पे मैंने सीन बनाया हुआ, वीडियो कैप्चर डिवाइस, डिस्प्ले का, मतलब आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये देखिए जो कि मैं कर रहा हूँ, माउस ओवर हो रहा है, तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। और साथ ही साथ मेरा वेबकैम का भी साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैं सीन बने, यहाँ पे आप लगातार 3-4 सीन क्रिएट कर लीजिए, फिर आप उसको ओके करते जाइए, 1 2 3 4 5 करके। फिर जब आपको लाइव स्ट्रीम करना हो तो स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर लीजिएगा, स्टार्टिंग स्ट्रीम हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपको CarryMinati की तरह लाइव, अगर आपको आपके सब्सक्राइबर से आपको टोकन चाहिए या जो भी आपका हिंट आता है, देखते हैं आप CarryMinati में आता है तो आप देख सकते हैं। वो Streamlabs एक साइट है, आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। Streamlabs गूगल पे सर्च कर सकते हैं, Streamlabs। देखिए Streamlabs सर्च करेंगे तो आपको Streamlabs.com में लॉगिन कर लीजिएगा और आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है, सारी चीज़ें इसमें फ्री मिलेंगी। एक्स्ट्रा फीचर्स सभी में रहता है जिसको अपग्रेड करना पड़ता है, मगर मैंने खुद नहीं किया है, मैं आपको भी नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए। ये देखिए आप एफिलिएट्स में भी आप एफिलिएट कमीशन भी कमा सकते हैं। और साथ ही साथ डैशबोर्ड में आप जाके इसमें लॉगिन करके आप जुड़ सकते हैं Streamlabs से, ताकि आपको लाइव स्ट्रीम आराम से करने में। आप देखिए मैंने अपने चैनल को जोड़ के रखा है, वैसे आप भी अपने चैनल को जोड़ सकते हैं और वैसे ही एक Tencent Gaming भी एक सॉफ्टवेयर आता है लाइव स्ट्रीम में हेल्प करता है, जैसे PUBG को लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं विदाउट लैग, वो टेंसेंट गेमिंग के थ्रू होता है। और ये XSplit.com है, यहीं से मैंने उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था XSplit का। और स्ट्रीमलैब्स का खुद का भी एक OBS स्टूडियो है, आप उसको भी स्ट्रीमलैब्स OBS दिख रहा है वैसे, आप उसका भी OBS स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था ये सॉफ्टवेयर बेस्ट। इसमें देखिए चैट बॉक्स दिया, डोनेशन बोल दिया, इवेंट लिस्ट दिया, अलर्ट बॉक्स दिया है। ये सारे आप देखते हैं कि ये सारे चैट साइड में चलते रहते हैं लाइव स्ट्रीम करते वक्त, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रीमलैब्स OBS स्टूडियो को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो बताऊंगा, और XSplit कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताऊंगा। तो मैंने आज आपको सॉफ्टवेयर बताया कि कैसे आप वेबकैम और स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए मैं आपके लिए सोशल मीडिया के वीडियोस एक्स्ट्रा लाते रहता हूँ, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ भी पता चलते रहे। देखिए टिकटॉक बैन के भी लाया था, आपको बाइक्स की भी लाते रहता हूँ, ऐप अर्निंग के भी वीडियोस। आप जो वीडियोस बोलेंगे आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपके लिए उस तरीके के वीडियोस लाऊंगा आपके लिए सजेशंस। तो आप मुझे अच्छे अच्छे वीडियोस बताइएगा, मैं सारे वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।